मेरे फेस पे जो बिग वाली स्माइल है ना वो इस वजह से है क्योंकि मैंने शॉपिंग की है, और शॉपिंग करने के बाद कौन खुश नहीं होता, सारे खुशी होते हैं, स्पेशली गर्ल्स। और मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, बहुत कम की है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज शॉपिंग तो की है यार, और वो भी सेल में 30% off 40% off। नायका के दिवाली सेल का मैंने अच्छा फ़ायदा उठाया और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने खरीद ली। सो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं वही शेयर करती हूँ। सो मेरा ये होने वाला है नायका का बस छोटा सा हॉल। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है इंडियन बजट ब्यूटी, और उसके बाजू में जो बेल आइकन होगा उसे क्लिक कर दीजिए 10 10 10, तब आपको समझेगा कि मेरी साइड से वीडियो आया, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। लाइक करना मत भूलिए, और ये वीडियो हेल्पफुल लगता है आपको तो शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ आपको लगे कि शेयर करना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवरी डे के लिए, सो वो है मेरे लिए, तो वो है सनस्क्रीन। मैंने ऑर्डर किया है लोटस का सनस्क्रीन, जो है टोटली नेचुरल यूवी सनस्क्रीन मैट जेल, जेल की फॉर्म में आता है। आप देख सकते हो मैंने ओपन भी कर लिया है क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको शॉपिंग करके, बट मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। शेयर करने का टाइम अभी मिला, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मुझे पार्सल रिसीव हुआ। इसका SPF है 50, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग, और इसके रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे है गाइज, एंड ये अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, ऑयलीनेस नहीं देता ज़्यादा, मतलब ऐसे चिकी चिकी नहीं लगता है जब सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। तो PA++ है इसमें, UVA से प्रोटेक्शन है, UVB से भी प्रोटेक्शन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है ये वाला। सो आप मेक श्योर कि देख लिए, जिसकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है। सो इट इज़ अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड मेड इन इंडिया, एंड एवरी थिंग इज मेंशन ओवर हियर। इसकी प्राइस है 295, बट सेल में आई गेस मुझे मिला है ये 236 में, जो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया मुझे GST एंड ऑल इंक्लूड करके। आजकल GST ने तो पता नहीं लगा दिए सबके। सो नायका है अच्छे से बिलिंग विलिंग का पेपर देती है साथ में, जिसमें GST एंड ऑल एवरीथिंग इंक्लूड होता है। 236 में मुझे मिला है इंक्लूडिंग GST एंड ऑल। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो है फेस वॉश। सो मैंने ये ट्राई करने के लिए, मैं एक्चुअली पहले न्यूट्रिजना का नहीं यूज़ करती थी, सो मुझे ट्राई करना था ये डीप क्लीन। बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे इसके, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। छोटे से पैक में ही ऑर्डर किया, मैंने बोले पहले ट्राई कर लेती हूँ, अगर ये सूट करता है तो। ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, टी जोन मेरा ऑयली है, इधर मेरी नॉर्मल है, ड्राई भी नहीं बोलोगे। अच्छे से सूट करता है मुझे। 50 ml है और इसका MRP है 110 rupees, और ये मुझे 99 rupees में मिला है सेल में। सो नेक्स्ट जो थिंग है वो है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा डैंडलियन, दैट इज़ विजिबली एजलेस सीरम फॉर ऑल स्किन टाइप। सो आई वॉन्टेड, मतलब सीरम कोई अच्छा सा, यही नहीं कि बायोटिक का ही चाहिए था, कोई अच्छा सा सीरम चाहिए था जो मैं डेली यूज़ कर पाओ अपने स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए एंड ऑल। सो मुझे सबसे कम वाला अफोर्डेबल रेंज में ये दिखा नायका पे बायोटिक का, सो इसलिए मैंने ये उठा लिया। एंड बायोटिक ब्रांड बहुत अच्छा है, टोटली नेचुरल है, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उठा लिया। सो ये 40 ml मिल जाता है, अच्छा है, मैं यूज़ कर रही हूँ एक वीक से, मोस्टली 2 times a day, सुबह में और रात में। सो अभी तक तो इतना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दिखाया मेरे स्किन पे इसने, एक्स्ट्रा ऐसा कोई ग्लो एंड ऑल नहीं है, बट ये अच्छे से स्मूथली अंदर चला जाता है स्किन के और अच्छे से रहता है। इसका स्मेल थोड़ा मेडिसिन टाइप है, बट इन शॉर्ट अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब ठीक ठाक है। पता नहीं, अभी इसका रिव्यू जल्दी शेयर करूँगी मैं अपने इंस्टाग्राम पे वगैरह। सो इसकी MRP है 230 rupees, 40 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, एंड वो मुझे मिला है 173 rupees में, विच इज़ अगेन अ ग्रेट डील अगर आपको इतने कम प्राइस में मिल जाता है। 100% नेचुरल है, ऐसी पैकेजिंग है इसकी, और मतलब इस पैकेजिंग थोड़ी डिफिकल्ट है यार, मतलब ऐसी पैकेजिंग मुझे पसंद नहीं आती, जैसे बहुत प्रेस करके खोलो तो निकलता है, इस टाइप में है
अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ईजीली. सो नाइस थिंग, स्मेल मेडिसिन टाइप है. नेक्स्ट जो थिंग है वो जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ वो है हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मेबलिन का मस्करा. और मेबलिन के मस्कराज के बारे में कौन नहीं जानता, दे आर जस्ट अमेजिंग. और सेल था तो मैंने सोचा कि मैं फटाक से उसके ग्रैब कर लूँ. सो उसका ओरिजिनल प्राइस है कुछ 375 और ये वाटर प्रूफ है. मैं प्रेफर करती हूँ कि वाटर प्रूफ ही लूँ क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं एंड ऑल तो पानी से मुंह एंड ऑल धो देते हैं तो मस्करा पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है जो मुझे पसंद नहीं है. सो इसीलिए मैंने ये वाला वाटर प्रूफ वाला ले लिया. उसकी ओरिजिनल प्राइस कुछ 375 थी, मुझे 319 में मिला है विच इज अगेन अ गुड डील. सो आप मेक श्योर कि जब भी आप शॉपिंग करें नायका से तो सेल के दिनों में करें, मतलब आपको अच्छे से प्राइस में मिल जाएगा. नेक्स्ट जो थिंग लिया है मैंने ये बिग वाला इसका गैट्सबी, आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, गैट्सबी ब्रांड का 200 ml प्लस 50 ml एक्स्ट्रा है और प्लस मुझे ये सेल पे मिला. सो मैं अगेन थैंकफुल हूँ नायका के लिए. सेल पे नहीं मिला आई गेस, उसी प्राइस में मिला, बट ये बहुत अच्छा है. इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े और मैंने लिए. दिस इज़ एक्सट्रीम होल्ड हेयर स्प्रे. जब भी हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं एंड ऑल उसको स्टेल मतलब होल्ड करने के लिए ये स्प्रे यूज़ होता है इस तरह का से. इसकी स्मेल कोई नहीं है इसमें और अच्छा खासी बड़ी बॉटल है, बहुत दिनों के लिए चली जाएगी. सो मेरी स्पेशली लॉन्ग हेयर जब मैं कोई भी हेयर स्टाइल एंड ऑल करती हूँ तो होल्ड नहीं हो पाती और सिल्की भी है तो होल्ड नहीं हो पाती, तो ये मेरे लिए बहुत काम में आएगा. इसकी प्राइस है गाइस सिर्फ 200 rupees और इतनी बड़ी बॉटल मिल रही है और आराम से चली जाएगी मेरे बालों के लिए. तो 2-3 महीने तो मैं आराम से चला लूँगी इसको अगर कंटिन्यू हेयर स्टाइल करती हूँ तो, बट कंटिन्यू तो होता नहीं, पर आराम से 6-7 महीने 1 साल भी चला लूँगी. सो उसके बाद मैंने लिया है ये वाली चीज़ टोनी एंड गाय हीट प्रोटेक्शन मिस्ट विट इज़ देयर सिबलिंग लंडन लिमिटेड एडिशन वाला है. सो जो नॉर्मल वाला था वो मुझे 475 सम में मिल रहा था, मुझे ये वाला लिमिटेड एडिशन वाला लेना था वो 150 ml है. दिस इज़ अ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे. जैसे कि मैंने बात की कि हम हेयर स्टाइल करते हैं तो हीट यूज़ करते हैं, उसके बारे में उसके बाद में उसको होल्ड करने के लिए ये चाहिए, पर उसके पहले उसको बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और टोनी एंड गाय के ब्रांड के बारे में कौन नहीं जानता गाइज, इट इज़ अमेजिंग. इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत क्लासी है, आराम से बहुत हैंडी है, आपके ट्रैवल बैग में भी चला जाएगा अगर आप चाहते हो कहीं जा रहे हो ट्रैवल पे वहाँ जाके हेयर स्टाइल से नॉन करने वाले हो घूमने के लिए. सो इट इज़ अमेजिंग डील. 150 ml ऑफ प्रोडक्ट है. इसकी प्राइस आई डोंट नो, इसकी प्राइस आई डोंट रिमेम्बर और यहाँ पे भी मुझे कहीं दिख नहीं रही है. हाँ 750 rupees लेकिन सेल में मुझे मिला है 525 rupees में, विच इज़ अमेजिंग डील्स. फिर से मैंने 200-250 rupees बचा लिए आराम से. सो ये था मेरा नायका का छोटा सा हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. इसमें से कोई भी प्रोडक्ट का आपको डेमो या रिव्यू, फुल रिव्यू चाहिए होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और मेरा गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट करना मत भूलिए. प्लीज़ गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे. थैंक यू, बाय बाय.